रात हो गया भाई, हम लोगों को पहुंचते पहुंचते अभी 6:30 से ज़्यादा हो गए। कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी छोर में जा सकते हो। ऐसा 20-10 रुपये पैकेट में मिलता है, तो है नहीं। ओ बाप रे, शोर शराबा तो यही कर रहा है ये। अच्छे से बना दिया गया है, मेन दरबार ये है भगवान जी का, तो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये देख लो, प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ हैं। बिलाई के राहुल में आप सभी का स्वागत है गाइस। तभी मैं शिवरी नारायण 2 किलोमीटर दूरी पर हूँ मैं, और यहाँ पे हम लोग चाय नाश्ता किए हैं, समोसा खाए हैं, चाय पिए हैं, पानी पिए हैं, और हम लोग खरोरा होते हुए आए हैं गाइस हम लोग। और अभी हम लोगों को 2 किलोमीटर अंदर जाना है जहाँ पे मेला लगा हुआ है, और देख सकते हैं अभी शाम के 6:10 हो रहे हैं, और यहाँ पे हमने नाश्ता किया है, चाय एवरेस्ट था, बाकी समोसा अच्छा लगा मुझे। तो ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। हमने गाड़ी भैया लोगों के पास में रख दिए हैं, और ये हमारे सब्सक्राइबर है। भाई आपका नाम क्या है? विमल शिखर पुरैना। विमल शिखर पुरैना। तो हर साल की तरह इस बार भी हम लोग भाई के पास में रख रहे हैं गाड़ी, और भाई लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे पैसे भी लिए नहीं है। ठीक है भैया, शिखर हम पहुँच गए हैं, और यहाँ से अपने को अंदर जाना, आप चाहे कहीं से भी अंदर जा सकते हो। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं सूर्य नारायण मेला। अभी रात हो गया भाई, हम लोगों को पहुँचते अभी 6:30 हो गए हैं। देखते हैं क्या क्या देख पाते हैं भाई साहब। उजाला होता है ना, तो ज़्यादा अच्छे से कैमरा फोटो ले पाता है। अभी अंधेरे में पता नहीं कैसे ले रहा है। उस तरह से देख रहे हो, सिलौटी, यहाँ पर सिलौटी मिल जा रहा है, क्या बात है भाई साहब। सिलौटी पहले ज़माने में बहुत चलता था, सिलौटी देखो, तो सब दुकान लगाए हुए हैं सिलौटी का। इसे यहाँ पर मौत का कुआं भी है, तो मौत का कुआं भी अपन देखेंगे। बाकी इस तरह से ठेले में पूरे दुकानें सजे हुए हैं, ये देखो ज़बरदस्त दिख रहा है भाई। प्रचार वचार भी चल जा रहा है यहाँ पे, बढ़िया सा। और बाकी ये देखो पेठा, ये सब चीज़ें हैं खाने पीने क्या, दुकानें हैं काफ़ी सारे, अभी स्टार्टिंग हुआ है भाई। अंदर अंदर चलते जाएंगे, वैसे वैसे काफ़ी सारे दुकानें देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे जूते की दुकान है, लाई मीठा वाला लाई है ये, यहाँ पर आया मौत का कुआं भाई साहब। इधर भी चलेंगे अपन, नारियल पानी भी मिल जा रहा है यहाँ पे, और इधर भी दुकानें पूरे सजे हुए हैं। बुजुर्ग लोगों को ठंड महसूस हो रहा है, तो अपन इस साइड चलते हैं। इधर आसमानी झूला दिख रहा है, और यहाँ पे है बैग के शॉप है, तो कितना यूनिक यूनिक बैग है, काफी सारे बैग है, जबरदस्त दिख रहा है भाई। टेडी बियर भी है, और ये सब खाने पीने के सामग्री है, देखो टेडी बियर क्यूट क्यूट से यहाँ पे टेडी बियर है, जबरदस्त दिख रहे हैं। 200 रुपये का है टेडी बियर। देन यहाँ पे बच्चों के लिए खिलौने हैं, ये देखो इसमें सारे खिलौने। देन आगे में भी देख सकते हैं इस तरह से पर्स के काफ़ी सारे दुकानें हैं, देन वही खिलौने की दुकानें हैं। मेला मणि में और क्या ही देखने को मिलेगा, यहाँ पे बेल्ट चश्मे के शॉप है, और देखो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों लोगों के लिए यहाँ पे है 120 रुपये में, 150 रुपये में, 200 रुपये में कपड़े मिल जा रहे हैं। देन यहाँ पर है गन्ना रस, 60 रुपये में साड़ियाँ मिल जा रही है, केवल 80 रुपये। मेला मणि घूमने का अपना अलग ही मजा है, लेकिन भाई बचपन की जो यादें हैं वो ताजा हो जाती है भाई। ये कौन सा प्रजाति का कुत्ता यार, कौन सा प्रजाति का डॉग है पता नहीं। देख सामने में देख रहे हो आसमानी झूला दिख रहा है, जबरदस्त उसमें लाइटिंग किया गया है, और दादी माँ लोग सब इस तरह से बेच रहे हैं मुरा लाई। देन उस साइड में पूरे बर्तन की दुकानें हैं, देख लो पूरा सजा हुआ है, और कुछ कुछ चीज़ें बचे हुए हैं। ये देखो गाइस यहाँ पर है आसमानी झूला, और यहाँ दुकान खोल दिया भाई, राशन दुकान खोल दिया अगले ने। देन यहाँ पे कपड़े लगते के शॉप हैं, देखते जाइए आप लोग। घूम घूम के हम आप लोगों को पूरा यहाँ का नज़ारा दिखला रहे हैं। यहाँ भी साड़ी है 150 रुपये में, कलरफुल साड़ी है। देन सामने में देख रहे हैं आसमानी झूला, कितना गजब का इसमें लाइटिंग किया गया है, और ये देखो एकदम सही दाम 800 रुपये, 800 रुपये में, 500 रुपये में साड़ी है यहाँ पे। देखो साड़ी कलेक्शन देख लो आप लोग, पसंद आया तो खरीदारी कर सकते हैं। सूर्य नारायण मेला घूमने के लिए आ रहे हैं, तो मेला इतना बड़ा है कि कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी छोर में जा सकते हो, ऐसा कोई फिक्स है नहीं, जहाँ भी मन कर रहा वहाँ चले जाओ। यहाँ पे खाने पीने के गर्मा गर्म पूड़ी निकल जा रहा है भाई, इतना चकाचौंध, इतना जबरदस्त लाइट किया गया। आसमानी झूला देखो कितना खूबसूरत सा दिख रहा है, एक में लाइट है एक में नहीं है। अच्छा खाना में
ये आसमानी झूला गजब का लाइटिंग किया है भाई, जबरदस्त दिख रहा है। चलो पास चलते हैं और आप लोगों को दिखलाते हैं। और यहाँ पे कहीं कहीं पे लाइटिंग अच्छा है तो कहीं कहीं पे कम है लाइटिंग। ये देख लो यहाँ पे 350 रुपए का शर्ट मिल जा रहा है बहुत लोगों के लिए। ये देख लो, वाओ जबरदस्त दिख रहा है, जबरदस्त एक नंबर। तो चलो यहाँ के आसपास का मार्केट देखते हैं। यहाँ पे देखो ईयरफोन मिल जा रहा है, देन यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं। उस साइड भी आसमानी झूला है और इस साइड भी आसमानी झूला है, आगे में भी आसमानी झूला है। देखते खाने पीने के चाउमीन मंचूरियन ये सब मिल जा रहे हैं यहाँ पे। देन ये देख लो आसमानी झूला जो आप लोगों को मैं दूर से दिखला रहा था ना। देन आइट साइड में मार्केट पूरी सजी हुई है। अभी तो फिलहाल लोग कम है क्योंकि आज दूसरा डे है करके। बाकी देखो चूड़ी कंगन के पूरे दुकान है इस साइड में, डीओ के भी शॉप है और ये कुर्ती वगैरह मिल जा रहे हैं गर्ल्स लोगों के लिए। ये है आसमानी झूला, अभी चल तो नहीं रहा है, जब चलेगा तो दिखलाएंगे। तो ये लोग ये बच्चे लोगों के लिए खिलौने हैं। यहाँ पे लाइटिंग अच्छा तो प्रॉपर दिख रहा है। और ये गन देख रहे हैं क्या जबरदस्त दिख रहा है यार ये वाला। ये घर सजाने के लिए की रिंग वगैरह मस्त दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं। और ये ब्रेक डांस जो यहाँ पे देख रहे हो, बुड्ढा बाल कैसे बनाया जाता है देखो भैया लोग, इस तरह से बना रहे हैं मशीन से बुड्ढा बाल। 20 रुपये 10 रुपये पैकेट मिलता है। बनाने का तरीका ही अलग है भाई साहब, उनका बेच रहे हैं भाई साहब। देन वहाँ पे चालू हो गया है, ये ब्रेक डांस तो बचा हुआ है। चलो चलते हैं देखते हैं। देख रहे हो आसमानी झूला कितना सारा है भाई साहब, आसमानी झूला 3-3, 4-4 आसमानी झूला है। ये वाला कुछ यूनिक झूला नज़र आ रहा है मेरे को। और ये है ऑक्टोपस वाला, अभी चालू होगा तो आप लोगों को मैं दिखला दूंगा, फिलहाल तो अभी चालू है नहीं। ओ बाप रे, सोच रहा हुआ तो यही कर रहा है ये वाला झूला, हालांकि एक भी बंदा नहीं बैठा हुआ है इसमें। और यहीं से अपन जाएंगे मंदिर दर्शन करने के लिए। और यहाँ भी काफ़ी सारे झूले हैं, झूले की कोई कमी नहीं यहाँ पर, इतने सारे लोग घूमने के लिए आए हुए हैं मेला। और देखो एक ही शहर में यहाँ पे काफ़ी सारे आइटम हैं। तो चलो हम पहले यहीं घूम लेते हैं, दिखला देते हैं आप लोगों को। यहाँ पे अचार मिल जा रहा है, ये देखो तरह तरह के यहाँ पे अचार हैं, पर्स के शॉप है यहाँ पे, हाथ से बना हुआ बैग है ये। देन यहाँ पर है पापड़ चिप्स, पापड़ वगैरह मिल जा रहे हैं बड़ी, देख रहे यूनिक यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे, कान के झुमके वगैरह। और यहाँ पर है गर्ल्स लोगों के लिए टॉप वगैरह इस साइड में, बढ़िया है यार, ये बॉयज लोगों के लिए भी लगा हुआ है। ये जड़ी बूटी नाम का है ही नहीं, लेके गया हुआ था लेकिन मज़ा नहीं आया। देन यहाँ पे फोटो है 3D फोटो, देख लो देखिए 3D फोटो यहाँ पे, काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है, जबरदस्त दिख रहा है। देन पूरा घूम रहा हूँ मैं आप लोगों को, पूरा हर एक चीज़ दिखला रहा हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी होगी तो भी देखिएगा, नहीं तो फिर दो भाग में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। देन यहाँ भी देख सकते हैं घर सजाने के लिए, और एकदम 150 रुपये में भाई हार मिल जा रहा है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे खाने पीने का आइटम बन रहा है, ये भी लेके गया हुआ था लेकिन मैं एक बार भी बनाया नहीं मैं, सैंडल जूती। और ये देखो यहाँ पे भागवत रामायण पुस्तकें हैं यहाँ पे। देन ये ऐसे पूरा घूम के आ रहा हूँ मैं आप लोगों को दिखला के, पूरा हर एक चीज़ दिखला रहा हूँ मैं, जो जो चीज़ अच्छा लग रहा है देखने योग्य। देन यहाँ पर है इस तरह से काफ़ी सारे दुकानें, क्या ही बोलूँगा भाई साहब, देखते जाइए आप लोग ये चटर पटर खाने का। तो चलो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं, यहाँ से हम बाहर निकल चुके हैं जैसे, तो यहाँ से हम लोग आए हैं दुख मारे यहाँ पे, काफ़ी सही है भाई साहब, ज़बरदस्त। पुलिस वाले भाई साहब भी लगे हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। देन ये देख सकते हैं यहाँ भी बच्चे लोगों के लिए काफ़ी सारे झूले हैं भाई साहब। देन ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर है इनामी, ये जो नंबर लिखा हुआ है 33-8-34, इसमें फंसाने होते हैं, फंस गया तो ये इनाम आपका है।
कितना खूबसूरत सा सजाया हुआ है भाई। बच्चे लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं, ये भी देख रहे हो, ये बहुत ज़्यादा यूनिक झूला लग रहा है। अब ये चलता तो दिखलाता आप लोगों को। देन यहाँ पर है ये वाला गदा वाला, यहाँ पे झूला सेक्शन यार काफ़ी सारे हैं। अभी हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। कितना बड़ा मेला लगा हुआ है भाई साहब, उजाला होता ना तो अच्छे से दिखता, बट क्या करें जैसे तैसे अपन बना रहे हैं ब्लॉग। यहाँ पे चूड़ी कंगन के शॉप हैं देख लो। देन यहाँ पे हेयर कटिंग के भी दुकान लगा दी है भाई साहब ने, देखो यहाँ पे। तो अपन जा रहे हैं अभी मंदिर की ओर। पूरा गए इसी तरह से पूरा मार्केट सजा हुआ है, शिवरी नारायण मेला आप देख ही सकते हैं। पूरा हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, और मेला इतना बड़ा है ना कि हर एक चीज़ दिखला पाना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है बाबा। खास तौर पे अंधेला हो गया ना, रात हो गए हैं तो मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। सौ रुपये में चले पड़े हैं हम मेला एंजॉय करते हुए भगवान जी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पे शिवलिंग, काफ़ी सारे यहाँ पे शिवलिंग है, क्या बात है भाई, बहुत प्यारा दिख रहा है। अभी हम लोग मेन मार्केट पे आ गए हैं, ये शिवरी नारायण मार्केट है मेन मार्केट, देख रहे हो इतने बड़े बड़े बड्डे बड्डे दुकानें हैं, बर्तन के भी शॉप है यहाँ पे। हम पैदल पैदल मार्केट भ्रमण कर रहे हैं क्योंकि मंदिर आगे साइड में ही है। तो उस समय आया था ना तो ये बना नहीं था, लेकिन अब बन गया यार, ये ज़बरदस्त दिख रहा है। मंदिर जाने का रास्ता देख लो, ये अच्छा सा बना दिया भाई, धूप में और बारिश में किसी भक्त को कोई तकलीफ ना रहे कि भीड़ काफ़ी हो जाता ना इस वजह से। देन यहाँ पे अपन चाय पिए थे ये मुझे याद अच्छे से, और काफ़ी अच्छा चाय बना के देते हैं भैया, आते समय अपन पियेंगे। देखो इतने सारे लोग हैं जो दर्शन करके वापस भी जा रहे हैं, सही है भाई, चलते जा रहे हैं गाइस। तो देखो ये जो ख़त्म होता है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो मंदिर आपको नज़र आएगा, देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा सजा के रखे हुए, लाइटिंग वाइटिंग गजब का। तो चलो अंदर चलते हैं, जूते चप्पल बाहर में छोड़ने पड़ेंगे अपने को, तो अंदर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आप सभी को। तो मंदिर को काफ़ी अच्छा सा सजा दिया है भाई साहब पिछले साल के मुकाबले, और ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सुंदर सा बना दिया गया है, देखने में बहुत प्यारे लग रहे हैं। देन यहाँ भी देख लो आप लोग, और ऊपर में भी देख लो, काफ़ी शानदार सा लाइटिंग भी दिया गया है। तो चलो अंदर चलते हैं, भगवान जी का दर्शन कराते हैं। आज दूसरा डे है, उस हिसाब से भीड़ थोड़ा सा कम है, अधिकतर भीड़ जो है दोपहर को ही होता है। और ये देखो यहाँ पे जगह जगह पे साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है, यहाँ पे राम सुंदरदास महाराज जी बैठते हैं, तो ये भी अच्छा खासा सजा हुआ है मंदिर, देख लो ने दिखला दिया है। अब हम मेन मंदिर की ओर आगे बढ़ते हैं, बाकी देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा सजा के रखे हुए हैं मंदिरों को, अच्छे से बना दिया गया है। मेन दरबार ये है भगवान जी का, विष्णु भगवान जी विराजित है अंदर, बहुत भाग्यशाली हैं जो हम दोबारा आए हैं दर्शन करने के लिए। देन दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं, जय भगवान जी। लाइटिंग देख रहे हो क्या गजब की लाइटिंग है भाई, एकदम ज़बरदस्त, एक नंबर, ये देख लो बहुत प्यारा। देन यहाँ से भी आप जा सकते हैं दर्शन करने के लिए, फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं। देन गाइस यहाँ पे शिवलिंग है, घर बैठे दर्शन कराते हैं आप सभी को नंदी महाराज जी का, जय भगवान जी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे शिवलिंग है, घर बैठे दर्शन करिए। तो गाइस मंदिर कितना खूबसूरत सा सजा के रखे हुए भाई मंदिर को, एक नंबर। देन यहाँ भी है मंदिर, तो यहाँ भी हम दर्शन कर लेते हैं। देन यहाँ भी शिवलिंग है, ये देखो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। यहाँ पे पीने का पानी भी उपलब्ध है, तो आप पानी वगैरह भी पी सकते हैं। देन यहाँ भी मंदिर है, उससे पहले ये वाला मंदिर देख लेता हूँ मैं। देखो यहाँ से पूरा लाइन से मंदिर ही मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ भी शिवलिंग है, ये देखो बहुत खूबसूरत है गाइस। तो यहाँ भी चलते हैं, यहाँ भी हम दर्शन कर लेते हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे मंदिर है, शिवलिंग है, शिवलिंग ही शिवलिंग देखने को मिलेंगे आप लोगों को। ये देखो यहाँ पे नंदी महाराज जी है, शिवलिंग है, बहुत प्यारा। देन यहाँ भी देख सकते हैं महाराज जी सब पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हम भी पूजा अर्चना करते हैं, जय भगवान जी। वाह यार बहुत खूबसूरत,
तो चलो दर्शन कराते हैं पास से। देखो घर बैठे दर्शन करिए आप लोग राम सीता जानकी। दीवालों में भी देख सकते हैं पत्थरों का मूर्ति भगवान जी का। तो हमने अभी ये मंदिर का भी दर्शन करा दिया है, यहाँ भी दर्शन करा दिया। अब हम वापस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मेन दरबार की ओर चलते हैं। ये देखो मेन दरबार देख रहे हो, कितना खूबसूरत सा दिख रहा है। ये वो वाला नहीं है गाइस, ये है मेन दरबार। ये पुराना वाला मंदिर भी देख लेते हैं हम लोग, उसके मेन दरबार पे चलेंगे। ये देख लो यहाँ पे कितना खूबसूरत सा मंदिर। तो पास से हम दर्शन कराते हैं और देख लो मंदिर कितना भव्य मंदिर है, उजाले में काफ़ी अच्छा सा दिखता। और ये देख लो प्राचीन प्राचीन मूर्तियाँ हैं पत्थरों का। और यहाँ पर है माता रानी, घर बैठे दर्शन करिए माता रानी का। और ये देखो यहाँ पे पत्थर ही पत्थर देखने को मिल रहे हैं साइड में, और फिलहाल यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ भी शिवलिंग है, देख सकते हैं दक्षिणमुखी हनुमान जी है, हनुमान जी का भी आप दर्शन करिए घर बैठे। देन इस तरह से छोटे मोटे काफ़ी सारे यहाँ पे मंदिर है, मेन मंदिर ये है गाइस। तो चलो अंदर से हम दर्शन कराते हैं। आप लोगों को हल्का फुल्का दिखला। आई होप की वीडियो को पसंद आए, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में।